जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम वाले स्वास्थ्य एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड साइंस 8 क्लास चैप्टर 17 किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, किशोर अवस्था की ओर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका, इस चैप्टर का। चलिए तो शुरू करते हैं। किशोरावस्था की ओर सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि क्या है? 11 से 19 साल होगा। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। टेस्ट्रॉन कौन सा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, 11 से 13 वर्ष में चालू हो जाता है। ठीक है, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बेहतर सेहत के लिए? खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, दिन में सोना, रात में जगना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, गलत सही, चलिए ट्रू एंड फॉल्स बताना है हम लोगों को। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय लैंगिक लक्षण शैश्य अवस्था में दिखाई देते हैं। गलत है, शैश्य अवस्था में नहीं दिखाई देता है। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, ये भी क्या है? गलत है। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, ये सही है। युग्म नज का पोषण गर्भाशय में होता है, ये भी सही है। फिर इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये गलत है। चलिए मिलान करने वाला, शुक्राणु 1 का 4 होगा वृषक के साथ, अंडाणु अंडाशय से, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां, शिशु गर्भाशय से। ठीक है, कोई दिक्कत? आंसर नीचे दिया हुआ भी है, देख सकते हैं लोग। चलिए किशोरावस्था से क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। यहाँ से आंसर है इसका, मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था शैश्य अवस्था कहलाता है, जबकि जिसकी अवधि जन्म से 5 वर्ष रहती है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं और 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के बाद की अवस्था को प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीन एंजर्स कहा जाता है। किशोरावस्था प्रारंभ होते ही अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। एक तो लंबाई में वृद्धि देखने को मिलेगा, शारीरिक बनावट में परिवर्तन देखने को मिलेगा, स्वर यानी आवाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि देखने को मिलेगा, जंगनांगों में वृद्धि तथा सक्रियता में वृद्धि मिलेगा, मानसिक तथा संवेदनात्मक विकास होता है इसमें। ठीक है, इत्यादि और सारे हैं, बहुत है इतना इस क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर किशोर अवस्था की पहचान हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला, किशोर अवस्था बाल्य अवस्था से किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप लोग। किशोर अवस्था बाल्य अवस्था से किस प्रकार भिन्न है, देखते हैं इसका आंसर। मानव जीवन की दूसरी अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है, जिसकी अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चे काफी क्रियाशील होते हैं, जो कि उन्हें नटखट तथा जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बालक लगभग सभी सामाजिक क्रियाकलापों को समझने तथा सीखने में आगे रहता है। दूसरी तरफ मानव जीवन की तीसरी अवस्था किशोर अवस्था होती है, जो कि सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखिए किशोर अवस्था। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक बनावट में परिवर्तन होती है, वृद्धि एवं विकास साफ साफ दिखाई देता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप
जनन परिपक्वता आती है, इसी अवस्था में मानव प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेता लेते हैं। यौनारंभ या किशोरावस्था में ही होता है और जनन अंगों में वृद्धि होती है। लड़कों में मूंछ दाढ़ी निकलती है और लड़कियों का स्तन विकसित होता है। जनन परिपक्वता के साथ ही किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो क्वेश्चन 5 नंबर पूछ रहा था किशोरावस्था बालावस्था किस प्रकार भिन्न है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं। चलिए देखते हैं, व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास से विसंगत मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। इस विसंगति से बचने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, परंतु यह ध्यान रहे कि किसी भोज्य पदार्थ की अधिकता यानी किसी भोज्य पदार्थ को अधिक सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भोज्य पदार्थ का कम से कम सेवन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं, कम से कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बेहतर सेहत के लिए हमें संतुलित आहार की जरूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाए। इसके अलावा साफ साफ दिखाई एवं नियमित व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, साफ सफाई भी जरूरी है, नियमित व्यायाम भी आवश्यक है। समय के अनुसार सोना, जगना, पढ़ना, हेलना, खाना इत्यादि होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी की, अगले पेज पे है, पानी की पानी से साफ सफाई, साफ सफाई यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पानी तथा अधिक से अधिक पानी ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पीजिए अच्छा रहता है एक दिन में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। किसी लड़के को PDF चाहिए इसका तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।